नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी एक अंतहीन कथा बन चुकी है और अब जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई जवाब मांग रहे हैं उसको लेकर लग रहा है कि नए फैसले के बाद भी सब कुछ ठीक हो जाए ये कहना आसान नहीं लगता है। हरियाणा कांग्रेस में एक मुश्किल कम नहीं होती और दूसरी खड़ी हो जाती है और गुटबाजी ऐसी है कि कितना भी पर्दा डालो छुपाए नहीं छुपती, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज खुद ही सरेआम बगावती तेवर दिखा देते हैं। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष या यूं कहें कि हुड्डा खेमे के उदय भान की ताजपोशी हुई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया, मुझे जवाब चाहिए। हरियाणा कांग्रेस उस अंगारे की तरह है जिस पर कुट्टी है, क्योंकि यहाँ भीतर खेमे में चलती जंग वक्त दर वक्त जग जाहिर हो ही जाती है और अक्सर आला कमान का एक फैसला इस आग में घी डालने का काम कर ही देता है। हरियाणा कांग्रेस में अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो किसी के घर दिया जलता है और किसी के घर अंधेरा। यहाँ जश्न एक गुट मनाता है तो दूसरे गुट में मायूसी छा जाती है। कांग्रेस आला कमान ने लंबे वक्त से चल रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद की अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को हुड्डा के करीबी माने जाने वाले उदय भान को प्रदेश की कमान क्या सौंपी कि कुलदीप बिश्नोई का दर्द छलक उठा और बज उठा बगावत का बिगुल, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नाम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे था। यहाँ बाजी कब पलट जाए कहना मुश्किल है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने बागी तेवर अपना लिए हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि साथियों, आप सब के संदेश सोशल मीडिया पर पढ़ रहा हूं। आपका अपार प्यार देखकर मैं अत्यंत भावुक हूं। आपकी तरह गुस्सा मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है कि जब तक मैं राहुल जी से जवाब न मांग लूं हमें कोई कदम नहीं उठाना है। अगर मेरे प्रति आपके मन में स्नेह है तो संयम रखें। वहीं मीडिया पैनलिस्ट और शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपने खड़ाऊ रख दिए। आदमपुर के विधायक बिश्नोई कई दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपनी गहन पैरवी की कवायद के तहत मुलाकात कर रही थी। 26 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने 24 अप्रैल को एआईसीसी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की। हालांकि तब उन्होंने कोई खुलासा तो नहीं किया, लेकिन वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बिश्नोई ने जरूर कहा था कि जो चर्चा हुई उससे वो संतुष्ट थे और बैठक सकारात्मक थी। ऐसे में जब सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हों और अचानक से सियासी शतरंज में शह और मात मिल जाए तो दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा कुलदीप बिश्नोई के ट्वीट से लगाया जा सकता है। तभी वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि मुझे जवाब चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस में दिग्गजों के बीच चल रही वर्चस्व की इस जंग में और कौन कौन से मोड़ देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि गुस्सा मुझे बहुत है और मुझे जब तक राहुल जी से जवाब नहीं मिल जाता तब तक, ऐसा वो समर्थकों से कह रहे हैं। यानी सीधी सीधी बात है, वो जवाब चाहते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि मुलाकात जब हुई थी हाई कमांड से या दिल्ली में तब वो बड़े संतुष्ट और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये भाव आ रहा है कि कहीं उनके साथ धोखा हो गया है, चीटिंग हो गई है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खास मेहमानों के साथ। प्रवीण अत्रे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो नाराजगी है, वो कह रहे हैं मुझे गुस्सा बहुत है, कांग्रेस की अंतहीन कथा क्यों चल रही है, कब तक चलेगी? अब एक और नाराजगी सामने। गोयल साहब, किसी प्रकार को, किसी नेता को किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं। जहां तक कि कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला लिया है उसका सभी ने दिल खोल के स्वागत किया है और सभी मतलब वर्गों को इसके अंदर प्रतिनिधि दिया गया है।
तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और 2024 मिशन की तैयारी में जुटी हुई है। लगातार बैठकों का दौर हर स्टेट के नेताओं से केंद्रीय नेताओं की दौर चल रहा है और यहां तक कि 3 दिन का हमारा मंथन सीवरेज भी राजस्थान में लग रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये उसी प्रकार, देखो बात यह है इतनी राष्ट्रीय पार्टी है। गर्ग साहब, हालांकि आप अपनी बात रखें गर्ग साहब, लेकिन अगर कोई नाराज नहीं होता तो हमें ये चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं मुझे गुस्सा बहुत है, तो गुस्से का मतलब तो हम नाराजगी समझते हैं, आप कुछ और समझते हैं तो बता दीजिए। देखिए जो कुलदीप बिश्नोई जी आपने बात की है, हर एक नेता जो प्रदेश के हमारे नेता है उसे राष्ट्रीय नेता से मिलने का राइट है। कई आदमी को हर एक मतलब पद तो एक होता है, लेने वाले 4 होते हैं, लेने वाले 7 होते हैं, पद तो एक को मिलेगा, सबको तो नहीं मिलेगा। मतलब क्या होता है स्टेट का जो नेता है नाराजगी, वो अपनी नाराजगी बात कौन जाहिर सर, ठीक है पद कई कई चाहते थे मिला एक को, लेकिन खुलकर नाराजगी एक जाहिर कर रहे हैं ना, वो खुलकर कह रहे हैं नाराजगी है और मैं राहुल जी से जवाब लूंगा। सुनो ये नाराजगी नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी से मिलूंगा, भी राहुल जी के सामने अपनी बात रखूंगा। मैं क्लियर कर दूं आपको, बजरंग जी एक मिनट, नहीं सर, ऐसे आप जो कह रहे हैं वो शब्द नहीं है ना सर, यही तो बात है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं राहुल जी से मिलूंगा, वो कह रहे हैं मैं राहुल जी से जब तक जवाब ना मांग लूं, वो जवाब की बात कर रहे हैं, जवाब चाहिए उन्हें। देखो मिलना, मिलके बातचीत करना, वो एक बात तालाब होता है, एक दूसरे कोई बात रखेगा तो उसका जवाब तो मिलेगा। आप भी समझ गए जवाब मांगना, आपने 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 मुझसे सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना अभी। हाँ तो सवाल करेंगे ना वो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ बजरंग दास जी, वो राहुल गांधी से सवाल करेंगे, आपने इसका मतलब यही हुआ ना, आपने बात रखी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये सवाल करेंगे, ये तर्क नहीं है, ये बात रखी जाती है। अपना चलिए अपनी जो अच्छा वो कह रहे हैं मैं बहुत गुस्सा हूँ, इसका बता दीजिए, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए जरा सा। गुस्से की बात नहीं होती, देखो अरे वो कह रहे हैं सर, मेरी बात ये मेरे शब्द नहीं है जो मैं आपके मुंह में डाल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। जो व्यक्ति पाइपलाइन के अंदर है, हाँ, जिस व्यक्ति को भी उम्मीद है भी हमें प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा या कोई दो ही तो पद थे आप समझते हो, या तो CLP या प्रदेशाध्यक्ष, दो ही तो पद थे, नहीं दोनों एक ही तरफ चले गए। नो CLP हुड्डा साहब है, पहले भी थे आज भी है, हाँ, और जो प्रदेशाध्यक्ष उदय भानजी बनाए गए हैं, दलित नेता है, जहां तक कि बहन कुमारी शैलजा जी ने 1 महीना पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लगातार टीवी में डिबेट हो रही है, मेरे साथी जो अत्रे जी बैठे हैं, मैं उस टाइम भी बताया था कि भाई बहन जी हंसे तो गए ना जी, ये क्या है, ये हंसने की बात नहीं है, ये इनको पता लग गया 2024 के अंदर, जैसे ये गीत गाते थे ना अब की बार 75 पर, अब की बार इनको पता लगेगा हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये क्या करते हैं, मुद्दे गोल कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, आपने कह लिया, अब जवाब ले लेना सर उनसे, बजरंग जी आऊंगा ना आपके पास, नहीं लौट रहा हूँ, ठीक है मैं आता हूँ। ये बात करेंगे भाईचारा खराब करने की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, ये बात करेंगे मंदिरों की। अरे जो गुस्सा हो रहे हैं पहले उनका, उनको तो मना लीजिए आप, ठीक है आ रहा हूँ मैं, आता हूँ राजेंद्र जाधव जी आपके पास भी लौट आऊंगा मैं। प्रवीण अत्रे मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन भाई वो बता रहे हैं कि ये कोई नाराजगी नहीं है जो उन्होंने ट्वीट किया। देखिए ऐसा है बजरंग जी, जो है कांग्रेसी कल्चर के अनुसार तो सही कह रहे, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गुस्सा है तो कांग्रेसी कल्चर में उसको नाराजगी नहीं माना जाता। कोई व्यक्ति अगर अपने नेतृत्व से जवाब लेना चाहता है कांग्रेसी, उसको भी नाराजगी नहीं मानते, क्योंकि कांग्रेसी कल्चर में नाराजगी का मतलब होता है कि अध्यक्ष की लाठी डंडों से पिटाई कीजिए, अध्यक्ष का सिर फोड़ दीजिए, अध्यक्ष की गर्दन के ऊपर चोट मारिए। इनकी जब इस तरह की स्थिति होती है तब ये मानते हैं कि साहब हाँ नाराजगी है, क्योंकि ये कांग्रेसी कल्चर है। अब देखिए बड़ी हैरानी की बात है, हालांकि बजरंग जी मेरे मित्र है, बजरंग जी कहते हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है इस परिवर्तन में सभी वर्गों का ख्याल रखा। देखिए पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस जो है वो बदलाव करना नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस बदलाव करते हुए दिखना चाहती है।
अगर वर्गों की बात करें तो मेरे मित्र बजरंग जी जो हैं वो ज्यादा जाने पहचाने चेहरे हैं बनिस्पत सुरेश गुप्ता के, कौन जानता है सुरेश गुप्ता, लेकिन बजरंग जी को जानते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि अगर सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात होती तो बजरंग जी तो ज्यादा बढ़िया व्यक्ति थे उसके लिए, लेकिन कांग्रेसियों ने बजरंग जी की तरफ देखा भी नहीं। दूसरी बात, देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो ट्वीट कर रहे हैं उसका मतलब समझने वाला है। दीपेंद्र ये कहते हैं कि एक हाईकमान ने उदय भानजी को अध्यक्ष बना के हरियाणा की जनता को यह संदेश दे दिया कि भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य नेता है। इस ट्वीट का मतलब समझ लीजिए कि हुआ क्या है, कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए अगर उदय भानजी को आपने अध्यक्ष बनाया और आप ये प्रचारित करते हैं कि हमने एक दलित को अध्यक्ष बनाया, तो भाई क्या शैलजा जी बुरी थी या अशोक तंवर जी बुरे थे? वो तो उदय भानजी से भी बड़ा नाम थे, लेकिन आपने उनकी तो लाठी डंडों से पिटाई कर दी। शैलजा जी को इस कदर परेशान कर दिया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या आप उदय भानजी को काम करने देंगे? बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि आपकी कल्चर है ये। और भी अब तो पुराने दौर की है ना प्रवीण जी, अब तो ये माना जा रहा है ना कि फूलचंद मुरैना के दौर में पहुंच गई ये पार्टी। शैलजा जी का समय पूरा है, ये मानने वाली बात है। वरुण जी आपने सही कहा है, एक बात देखिए, एक जो कांग्रेस कहती है कि वो पुराने दौर की बात है, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने किस अध्यक्ष को काम करने दिया? क्या मुलाना साहब ने नहीं किया? फूलचंद मुलाना साहब ने तो किया ना, क्योंकि मुलाना साहब की अगर कार्यकाल को देखेंगे तो अनिल धनतोड़ी का जो ट्वीट है वो बिल्कुल फिट बैठता है। अनिल धनतोड़ी जी क्या कह रहे हैं कि हुड्डा की खड़ाऊओं को कांग्रेस कार्यालय में रख दिया, इसका मतलब समझ लीजिए वरुण जी क्या कहना चाहते हैं अनिल धनतोड़ी। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है जो पार्टी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, कांग्रेस का बंटाधार हो चुका है, जनता कांग्रेस के ऊपर विश्वास हो चुकी है, जनता कांग्रेस को वो पॉलिटिकल पार्टी मानती है जो आईसीयू में है, लगभग खत्म हो चुकी है, जो मृत प्राय है। बजरंग जी की मजबूरी है, देखिए ऐसे में बजरंग जी की मजबूरी है। बजरंग जी जिस तरह से गोल बोल करके बातें कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के गुस्से को गुस्सा नहीं मान रहे हैं। बजरंग जी का गुस्सा एक और बात का है, वो गुस्सा ये है कि मैं क्यों नहीं, वो गुस्सा भी है उनका, वो कहते हैं मैं क्यों नहीं भाई। हालांकि मैं इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूँ प्रवीण अत्रे साहब और आप बजरंग दास जी, अनिल धनतोड़ी ने एक और ट्वीट करके ये कहा है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जेब में है, कांग्रेस एक समूह होता था, आज एक व्यक्ति है। चलिए उस पर बाद में आ जाएंगे, एक बार राजेंद्र जाधव जी को चर्चा में ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं। इससे बेहतर कांग्रेस की स्थिति और क्या हो सकती है? ठीक है, मैं इस पे बजरंग दास जी जवाब दे देंगे। जी जी मैं आता हूं। राजेंद्र जाधव जी, एक विश्लेषक के तौर पे जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा बहुत है, मैं राहुल जी से जवाब लूंगा, और उनके समर्थक कह रहे हैं कि कोई फैसला लीजिए, कांग्रेस में जो 2014 से चला हरियाणा कांग्रेस में, अब तक क्या वो परिपाटी ऐसे ही चलती हुई दिखाई देगी? फिलहाल जल्दी है कि कुलदीप बिश्नोई जो है दावेदार तो थे ही, और वो लॉबिंग में भी जुटे हुए थे दिल्ली में। अब ये तो कांग्रेस नेतृत्व की जिम्मेदारी है वो कैसे को संतुष्ट कर। अब उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुना और उद्यमान को चुना, तो उनको लगा होगा ना जो पार्टी की आंतरिक स्थिति क्या है, किस तरह की धड़ेबंदी है, उस धड़ेबंदी को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए। और कुलदीप बिश्नोई की अगर दावेदारी थी तो उन्होंने इग्नोर किया है, कुछ उसमें सोचा ही गया होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो ट्वीट करके अपना एक तरह से अप्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं तो कांग्रेस नेतृत्व का जिम्मा बनता है कि उनको भी संतुष्ट करे। अगर कांग्रेस को मजबूत रहना है हरियाणा में और देश में, तमाम जो है, अब जैसे पंजाब में हुआ अमरिंदर सिंह को हटा दिया, तमाम जो है विधायक अगर उनके खिलाफ खड़े हो गए थे तो उन्होंने इतने एक मजबूत नेता को इग्नोर कर दिया था। फिर वो जिनको प्रदेश अध्यक्ष लेके आए और जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनके नेतृत्व पे बड़ा भरोसा जताया गया, लेकिन वो भरोसा कायम नहीं रह सका और आखिर में प्रदेश अध्यक्ष ही बदलना पड़ा। तो ये तो प्रयोग है, पार्टी में चलते रहते हैं, लेकिन अब ये है कि हुड्डा की ताकत पर एक बार कांग्रेस नेतृत्व ने भरोसा किया है तो ये भरोसा या मजबूरी है? ये देखिए भरोसा है, मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन भरोसा ज्यादा है। कारण क्या है कि हाँ, कोई भी नेतृत्व अगर उसको लगता है कि हम ठीक है अपने तरीके से, जी जी, तो भरोसा ही किया है जी। उनको लगा है जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा किया था 2017 में, उन्होंने ये कहा था कि मैं पंजाब में कांग्रेस को पावर में लाने में सक्षम हूँ, दूसरे नेता नहीं ला सकते, और उन्होंने लाके दिखाया।
वो अलग बात है कि बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, वो पूरे नहीं किए जा सके, वो अलग बात है। पर वो पावर में लेकर आए और बाद में उन्हीं अमरिंदर सिंह पर जो पार्टी नेतृत्व का विश्वास हो गया, लेकिन अगर अमरिंदर सिंह की स्थिति बनी रहती तो हो सकता कि कांग्रेस जितनी नीचे गई है इतनी नीचे ना जाती, भले ही उसकी सत्ता में वापसी ना होती। ठीक है, हरियाणा में भी यही है जी। ठीक है बजरंग दास जी, आ रहा हूँ और प्रवीण जी आ रहा हूँ, एक मिनट। बजरंग दास जी मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, ये जो 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 बिश्नोई जी का ट्वीट है जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो उन्होंने उम्मीद बहुत ज्यादा बांध ली थी या फिर उन्हें उम्मीद बंधवा दी गई थी, अब जिसने ही बंधवाई हो, अब उसके बाद वो जो कुछ कह रहे हैं ये तो आप मान लीजिए कि सारी पावर अब एक तरफ चली गई है और उसको लेकर नाराजगी तो है। देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सारी पावर एक साइड चली गई। पावर जरूर होती है, सीएलपी नेता कम पावर थोड़ी है, फुल पावर होती है सीएलपी, वही तो चली गई सारी पावर। सीएलपी नेता फुल पावर होती है और फुल पावर पर काम कर रहे हैं, किसी का रोक टोक नहीं है। जहां तक कि आप ये देखोगे 2005 से लेके 2014 तक कांग्रेस का राज रहा, लोग उस राज को याद करते हैं भी किस प्रकार 9.5 साल कांग्रेस का राज रहा, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ा वर्ग का, व्यापारी का, आम जनता का, उस 9.5 साल के अंदर ख्याल रखा गया। आज प्रदेश की जनता उस राज को याद करती है, हमें किस प्रकार 20 रुपए किलो दाल मिलती थी। सवाल कुछ और था, मैं उसी पर आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं आप, कहीं और चले गए? नहीं मैं कहीं गया नहीं हूँ, ट्रैक पे आइए। या तो कुलदीप जी को आपने बहुत उम्मीद बंधवा दी थी या उन्होंने खुद बांध ली थी। देखिए कुलदीप जी कई बार मिले, राहुल गांधी जी से मिले, राहुल गांधी के बाद अपने प्रियंका गांधी जी से भी मिले, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव उनसे भी मिले, प्रभारी से भी मिले। मिलना सबका राइट है, उन्होंने अपना प्रयास किया, उन्होंने बताया। मगर जिस प्रकार कांग्रेस हाई कमान ने जो जातिगत समीकरण बनाया है उससे हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता सर्वसम्मति से सब स्वागत करते, ये होता है ना फिर। आप देख लो आपके चैनल देख लो सर, जिन्होंने नहीं किया मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। आज चर्चा का विषय क्या है, एक व्यक्ति है जिन्होंने नहीं किया। चलिए प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आता हूँ तो एक मिनट। मेरी बात सुनिए, मगर मेरे मन में मैं भरत जी एक ही बात कहूंगा, एक मिनट गरग जी, अरे गरग साहब रुक तो जाओ आप। अच्छा दोनों जवाब दे देना, गरग साहब रुक तो जाओ एक मिनट, मुझे गरग साहब रुक तो जाओ, अत्रे जी बोलते हैं एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलिए पूछ लीजिए इनसे क्या करें। जी जी मैं ये कह रहा था, देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जब मैं बोलूंगा गरग जी निवेदन करूंगा बीच में ना बोलिएगा, मजा नहीं आता, दोनों चिल्लाते हैं किसी की आवाज किसी को सुनती नहीं है। देखिए गरग जी यहाँ एक बात का जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकाल का, और ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग के लिए काम किया, विशेष तौर पे इन्होंने दलितों का जिक्र किया। कौन भुलाया अब तक मिर्चपुर कांड को, कौन भुलाया अब तक गुहाना कांड को, कौन भुलाया किसानों की जमीन को हड़पने को। कांग्रेस का 10 साल का विशेष तौर पर जो कार्यकाल है हरियाणा के इतिहास का काला अध्याय है। लेकिन जादौन जी ने एक बात का जिक्र किया पंजाब, देखिए कांग्रेस ने क्या किया, जो धड़ेबंदी की जिक्र यहां पे हम कर रहे हैं, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से धड़ेबंदी को प्रतिनिधित्व दिया, कांग्रेस ने वही गलती दोहराई जो पंजाब में दोहराई। पंजाब में अध्यक्ष बनाया, 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, नतीजा क्या निकला चुनाव में? क्योंकि जब आप इस तरह से खुद धड़ेबंदी को हवा देते हो तो कैसे मान सकते हो कि धड़ेबंदी खत्म हो जाएगी? देखिए कांग्रेस वैसे भी खत्म हो चुकी है और जो वो थोड़ी बहुत ही बची हुई है, अलग अलग नेता उस कांग्रेस को अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की हाईकमान जो है आंख बंद करके उन नेताओं को प्रेशर दे रही है कि वो कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में रखे, अपनी जेब में डाल ले। जब कोई पार्टी, देखिए मैंने क्या कहा था गर्ग साहब, एक एक करके सर चुप हो जाइएगा, एक एक करके गर्ग साहब आ रहा था, आपको मौका दूंगा। मैं तो गर्ग साहब को सलाह दे रहा हूँ कि कमजोर घोड़ों पे दाव लगा के लड़ाई नहीं जीती जाती। अरे कांग्रेस खत्म हो रही है, उसको आप किसी की जेब में डाल दोगे गर्ग साहब तो आपका भी नुकसान होगा। चलिए ठीक है, कोई कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। बजरंग जी जो बात प्रवीण अत्रे कह रहे हैं वो अब अनिल धनतौड़ी कह रहे हैं, अभी एक व्यक्ति की जेब में चली गई है पार्टी, ऐसा है क्या? वो तो आप ही के आदमी है ना गोयल साहब। सुनो पहला पो तो आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कितना भय है,
असली अरे हम तो केवल आपकी सच्चाई बताते हैं जनता को। हमने मिर्चपुर कांड की बात इसीलिए की है कि आप सच्चाई पता लगनी चाहिए। हमने देखना, हमने गुहाना कांड की आपको याद दिला दी, इसको बनाना है। अच्छा मेरे सवाल पे आइए, मेरे सवाल पे आइए ना। अच्छा मेरा सवाल सुनो, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन खड़ा करती है। हमने कभी कहा भी आपने गलत प्रदेशाध्यक्ष बना दिया या गलत आपने आपकी पार्टी के बंदे के पीछे? बजरंग जी, आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है मैं गुस्से में हूँ, मैं जवाब लूंगा, तो इसका मतलब वो कह रहा है ना गलत बना दिया। मैं कह रहा हूँ कोई आदमी नाराज है वो मिले राष्ट्रीय नेता, हम किसने रोका है? जो भी मैं कहूँ खुला दरबार है, कोई भी व्यक्ति स्टेट का नेता राष्ट्रीय नेता से मिल सकता है, कोई भी वर्कर मिल सकता है। जहाँ दंतोरी की बात है, दंतोरी सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ आप, दो सवाल का जवाब देंगे कल से। सुनो, कल से चैनल आप जनता टीवी देख लो, आपके चैनल में 100 बार मैंने जगह देखी है, कोई ऐसा जिला बता दो जहां जिले के अंदर खुशियां कांग्रेस के अंदर ना बनाई गई हो, ढोल नगारे ना बज रहे हो। सर, जो कांग्रेस का हिस्सा है उन्हीं की तो बात कर रहे हैं, हम तो सब कुछ दिखा रहे हैं। नहीं, हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप बात सुने, बजरंग जी बात सुने, कांग्रेस में खुशी होगी, अच्छी बात है कांग्रेस में खुशी हो। हम बजरंग जी, अरे नहीं, कांग्रेस में खुशी हो, हमें क्या दिक्कत है, कांग्रेस में खुशी होनी चाहिए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस का हिस्सा है ना सर, अनिल धनतोड़ी भी कांग्रेस का हिस्सा है ना सर, उनको अपना बात कहना राइट है। तो वो बात कह रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, सीधी सी बात है, जो उन्होंने बात की उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस बात पे उन्होंने अपनी बात रखी भाई, जब 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 कांग्रेस में खुशियां मनाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बधाई दी जा रही है, वो भी दिखा रहे हैं, और उसी कांग्रेस के कुछ धड़े अगर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, तो बात सीधी हुई ना सर। तो आप ही का चैनल दिखाएगा? नहीं, दिखा रहे हैं सर, दिखा रहे हैं, दिखाएगा, दो दिन दिखाए, कुलदीप बिश्नोई मिलकर आए, राष्ट्रीय नेता से मिलकर आए, खुशी खुशी बाहर निकले, दो दिन ये भी दिखाएगा। गरग साहब, ठीक है, सच से इतना आप कह रहे खुशी खुशी बाहर निकलेंगे, गरग साहब सच से डरते क्यों हो? अपनी बात, गरग साहब सच्चाई से इतना क्यों डरते हो, इतना क्यों घबराते हो, सच दिखने से डराते हो? अरे गरग साहब, ठीक है, रुके, एक मिनट रुक जाए, आपका सच आप दिखा सको। गरग साहब को अपने सच से कितना डर लग रहा है, मैं हैरान हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, गरग साहब बड़ा दावा कर रहे हैं, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया, हर धड़े को दिया, मुझे एक बात बता दीजिए, श्रुति चौधरी ही कार्यकारी अध्यक्ष क्यों? क्या किरण चौधरी को पूरे हरियाणा में कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आया? अपनी ही बेटी क्यों? गरग साहब इस बात को समझिए, आप जैसे कार्यकर्ता के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे तो आप अपना गला खराब कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी कॉ पार्टी खत्म हो रही है, लेकिन आप मेरे मित्र हैं, मुझे आपके भविष्य की चिंता है। इस तरह तो ये जो परिवार है, ये गरग साहब को ही लपेट जाएंगे, तो मुझे चिंता आपकी भी है। ये ऐसी पार्टी के अंदर गरग साहब, ठीक है, राजनीति से इधर चिंता होनी भी चाहिए। नहीं, ठीक है, एक दूसरे की चिंता होनी भी चाहिए, राजनीति इधर आ दो, एक मिनट आ रहा हूँ बजरंग जी, एक मिनट आ रहा हूँ जादौन साहब, हाँ बोले बोले, मैं जादौन साहब के पास जाना है, बोले बोले। भाई ने एक बात कही पर्सनली, मैं पर्सनली अतरा भाई जबर को जानते हो, जिसकी दुकान में सामान होता ना, गायक वहीं आते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ सुरेश गुप्ता क्यों, तभी तो मैंने कहा सुरेश गुप्ता क्यों, बजरंग दास गर्ग क्यों नहीं, आपके भाई की दुकान। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं सर, ठीक है, गर्ग साहब इसीलिए तो मैंने कहा कि श्रुति चौधरी क्यों, बजरंग दास गर्ग क्यों नहीं। ठीक है, सामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति रहना चाहता हूँ और सभी समाज को जोड़ के चलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ सर, आ रहा हूँ बजरंग जी, आप ही के पास आऊंगा, एक सवाल जादौन साहब से पूछ के आपके पास आऊंगा। जादौन साहब, लेकिन किसी नेता ने ये कहा हो कि मैं राहुल जी से जवाब लूंगा या जवाब ले लूं, ऐसा भी दिखा नहीं है, मतलब नाराजगी का जो स्तर है वो हल्का भी नजर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, बड़ा तीखा है, तो मुझे लगता है कि पता नहीं ये पंजाब से भी कुछ आ गई है चिंगारी, जैसे वहाँ सुनील जाखड़ ने जिस तरह के बयान दे दिए थे, वो वहाँ अनुशासन कमेटी बनी हुई है, उसने 2 साल के लिए निष्कासित करने की सिफारिश कर दी। तो अब ये है कि इन चिंगारियों को ठंडा करने का काम तो कांग्रेस नेतृत्व को करना है। अभी उदयपुर में इनका अगले महीने चिंतन शिविर लगने जा रहा है, इनको चिंतन करना चाहिए कि ये गुटबाजी कैसे समाप्त हो, ये है, और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और हम लोग तो ये सोचते हैं कि बजाय कांग्रेस मुक्त भारत के, मजबूत कांग्रेस के साथ भारत को आगे बढ़ाया जाए, ताकि विपक्ष मजबूत रहे और लोकतंत्र ठीक से चलता रहे,
लेकिन ये जिम्मेदारी जो कांग्रेस के नेताओं पर है वो क्यों नहीं संभवा पा रहे हैं? इनको भी कोई मार्गदर्शक मंडल बनाना चाहिए पूरी तरह से, जैसे कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि वहां उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है और सुधार की जरूरत है, तो ये सामूहिक नेतृत्व डेवलप करें और कोई मार्गदर्शक मंडल बनाए ऐसा जिससे कांग्रेस की स्थिति में सुधार हो। अब कुलदीप बिश्नोई अगर संतुष्ट हैं तो कांग्रेस नेतृत्व के पास तो बहुत सारे कार्ड हैं, उनको कोई कार्ड लेके संतुष्ट करना चाहिए उनको, तो इस तरह की स्थिति क्यों? ये ठीक है बजरंगदास जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अतीत में देखा है कि बतौर विपक्ष एक और जो अशोक तंवर थे वो अपनी साइकिल लेकर निकल रहे थे लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ पर सवार होकर चल दिए थे। अभी जो ये पूरा SYL का मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में बैठक की लेकिन जो आपकी अध्यक्ष थी उन्होंने चंडीगढ़ में अलग से बैठक की। अब जो चीजें हैं, अब जो ऐसा लग रहा है, तो अब तो आप ये मानेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रथ था उस पर सबको सवार होना पड़ेगा? मतलब मैं कह रहा हूँ असली नेतृत्व कौन, अब उदय भानजी का नेतृत्व है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व है? देखिए जहां पार्टी का संभाल होगा वहां कमांड होगी उदय भानजी के पास, जहां विधानसभा का सवाल होगा, विपक्ष का सवाल होगा, वहां पर CLP नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और जहां तक आपने एक सवाल किया, भी अलग अलग मीटिंग की गई, चंडीगढ़ में अलग हुई और दिल्ली में अलग हुई, वहां भी इस बात का फर्क है, वहां क्या था, राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री नाम ज्ञापन देने के बारे में चर्चा होनी थी, वहां CLP नेताओं की, विधायकों की मीटिंग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां रखी हुई थी, और जहां कांग्रेस पार्टी का जहां प्रदेशाध्यक्ष का सवाल था, उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर घेराव के लिए जो एक रणनीति बनानी थी वहां ज्ञापन देना 7 तारीख के लिए, उसके लिए वहां मीटिंग पहले भी यूनिटी थी, एक साथ थे आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। गर्ग साहब ने कहा कि विधायकों का दिल्ली की बैठक में होना जरूरी था इसलिए विधायक वहां थे। गर्ग साहब कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं, 5 विधायक चंडीगढ़ में थे, वो कौन थे जो शहर से टिकट के थे? ये कांग्रेस की दाल इसी तरह जुतियों में बटेगी, ये आप भी जानते हैं, इसी तरह से आप सिर्फ टोल रहेंगे, आप ये भी जानते हैं, क्योंकि होता ही है कुल मिलाकर जहां डूबता है तो कुछ भाग जाते हैं। गर्ग साहब चलिए ठीक है, कांग्रेस हालात में रहने वाले हैं, एक साथ बोलेंगे सर, जनता को समझ नहीं आएगा, ये बड़ा जरूरी है, कांग्रेस नाम की चीज ही नहीं है, खत्म कांग्रेस नहीं। कुल मिलाकर आप समझे कि अभी कांग्रेस में एक फैसला हुआ है, ऐसा लग रहा था फैसले के बाद सब कुछ ठीक है, जय जय हो मुद्रा है, लेकिन जो ट्वीट आ रहे हैं, जो रिएक्शन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हर बार कहा जाता है और 8 साल से कहा जा रहा है ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल होता नहीं है। इस बार जो नाराजगी दिख रही है, क्या कांग्रेस समय रहते उसे थाम लेगी, क्योंकि इतिहास ऐसा नहीं बताता है। राजेंद्र जादौन जी आपका, बजरंग जी आपका और प्रवीण अत्रे जी, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता टीवी पर आप देख रहे थे ये विशेष चर्चा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। दीजिए इजाजत, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।